तो क्या सच में लौट आए हैं सुशांत? क्या अपने दुश्मनों से बदला लेने खुद सुशांत को आना पड़ा है? आखिर क्यों लोग कर रहे हैं ऐसी बातें? कहां दिख गए हैं सुशांत? क्या है पूरा माजरा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखिए। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो कहते हैं कि इस दुनिया में एक चेहरे के जैसे चार चेहरे होते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है कि आपको बिल्कुल हूबहू वैसा ही चेहरा दोबारा देखने को मिल जाए, सिवाय जुड़वा भाई या बहन के। लेकिन ऐसा हुआ है, और वो भी उस शख्सियत का चेहरा लोगों को देखने को मिला है कि लोग हैरान रह गए हैं। सोशल मीडिया पर यह चेहरा तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के लुक अलाइक की। जी हाँ, एक ऐसा चेहरा वायरल हो रहा है जो सुशांत सिंह राजपूत की कार्बन कॉपी लग रहा है। लोग इसे देखकर हक्के बक्के रह गए हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच में हुआ है। और ये तस्वीर और किसी ने नहीं बल्कि ऋतिक रोशन ने वायरल की है। जी हाँ, आपको बता दें, ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्म विक्रम वेदा के सेट से जुड़ी हुई एक तस्वीर शेयर की, और इसके बाद लोग हैरान हो गए। इंटरनेट पर सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए मैसेजेस की बाढ़ सी आ गई है। आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। दरअसल ऋतिक रोशन के स्टंटमैन है मंसूर अली खान। मंसूर अली खान के साथ अपनी तस्वीर ऋतिक रोशन ने शेयर की है, और इसमें मंसूर अली खान सुशांत सिंह राजपूत की कार्बन कॉपी नजर आ रहे हैं। कोई नहीं कह सकता किसी भी एंगल से कि ये सुशांत सिंह राजपूत नहीं है। हर कोई जूम कर करके इस तस्वीर को देख रहा है, और हर कोई कह रहा है कि ये क्या, मुझे लगा कि ये तो सुशांत सिंह राजपूत की ही तस्वीर है। सुशांत सिंह राजपूत अचानक जून 2020 में इस दुनिया को अलविदा कर गए थे, और उनकी कमी लगातार फैंस के दिलों में अब भी खलती है। फैंस अब भी सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। वैसे तो बॉलीवुड में कई स्टार्स आए गए, कई बड़े बड़े अभिनेता दुनिया को अलविदा भी कह गए, मगर सुशांत के जाने के बाद जैसी क्रांति आई वो इससे पहले कभी किसी स्टार के जाने पे नहीं आई। न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी सुशांत के इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। फैंस के जन आंदोलन से इस केस में सीबीआई तो आ गई, मगर अफसोस कि आज 3.5 साल बाद भी सुशांत को इंसाफ का इंतजार है। सुशांत के गुनहगार आज भी आजाद घूम रहे हैं, और सीबीआई है कि कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। मगर फैंस ने हार नहीं मानी, उन्हें अब भी भरोसा है कि शिव भक्त सुशांत को बाबा इंसाफ दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे। फिलहाल आप ये बताएं कि क्या आपको भी मंसूर अली खान में सुशांत नजर आए, और क्या आप सुशांत के इंसाफ के लिए अब भी खड़े हैं? अगर हाँ, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर आप भी अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, और चैनल के साथ जरूर जुड़ें। हमारा स्पष्ट रूप से आरोप है बेस्ड ऑन द एविडेंस कि दिशा सालियान का गैंग रेप करके उसकी हत्या की गई। इस हत्या के मेन 3 आरोपी है आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, टीनो मोरिया, और इस बारे में सबसे बेस्ट एविडेंस है उनका मोबाइल टावर लोकेशन। तो एक बार फिर दिशा केस में बेहद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, दिशा सालियान के वकील नीलेश ओझा ने इस बार साफ साफ वो 3 नाम ले लिए हैं जो 8 जून की दिशा की उस पार्टी में शामिल थे, और जिन्होंने दिशा के साथ दरिंदगी की और फिर उसे 14वीं मंजिल से धक्का देकर इस पूरे खेल को अंजाम दिया। और यही सच सुशांत दुनिया के सामने लाना चाहते थे, और इसीलिए ही उन्हें भी 14 जून को बड़ी बेरहमी से इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। तो आखिर ऐसा क्या बोले हैं इस बार दिशा सालियान के वकील, और कौन सा ऐसा सबूत लेकर आए हैं इस बार जिससे वो 3 बड़े नाम होंगे बेनकाब? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी सुशांत दिशा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत दिशा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो जैसा कि हम आपको बताते आए हैं कि इस बार की SIT पूरी तरह से दिशा सालियान के केस की तह तक पहुंचने में जुट चुकी है, और इसी को लेकर नए नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो अपडेट दिशा सालियान के वकील नीलेश ओझा लेकर आए हैं वो होश उड़ाने वाला है, क्योंकि इस बार उन्होंने साफ साफ वो 3 बड़े नाम ले लिए हैं जो अब तक खुले तौर पर कोई नहीं ले पाया। जी हाँ, जिनके खिलाफ फैंस भी कई सबूत तो सामने लेकर रखते आए हैं, मगर इन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस बार दिशा सालियान के वकील पूरी तैयारी के साथ आए हैं, और इन 3 के ही खिलाफ एक ऐसा सबूत लेकर आए हैं जो इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी है। जी हाँ, इस बार दिशा सालियान के वकील नीलेश ओझा ने साफ तौर पर बताया कि 8 जून को दिशा के साथ पहले दरिंदगी हुई और फिर उसे 14वीं मंजिल से धक्का देकर गिरा दिया गया, और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली और डीनो मोरियो ने किया है।
और ये तीनों ही उस पार्टी में शामिल थे। जब नीलेश ओझा से पूछा गया कि क्या आपके पास ये आरोप लगाने के सपोर्ट में कोई ऐसा सबूत भी है जिससे आप ये बात साबित कर सकें, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनके पास ऐसा अहम सबूत है जो उनके सारे आरोप सच साबित करता है, और वो सबूत है इन तीनों के मोबाइल टावर लोकेशन, और ये सबूत वो कोर्ट में भी जमा करवा चुके हैं और इस केस में उन्होंने याचिका भी दायर कर दी है रिटर्न कंप्लेंट के साथ। तो ये बेहद शॉकिंग है दोस्तों कि इन तीनों के मोबाइल टावर की लोकेशन 8 जून की दिशा सालियान के उस मलाड़ वाले फ्लैट की ही पाई गई है, जो कि ये साफ करता है कि ये तीनों भी उस पार्टी में मौजूद थे। जब वकील से पूछा गया कि दिशा के पिता तो यही बताते आए हैं कि उनकी बेटी की मौत एक एक्सीडेंटल डेथ है, ना कि इसमें किसी का हाथ है, तो इस पर वकील ने बताया कि ये पूरी तरह से झूठ है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, एविडेंसेस को टेम्पर किया गया है और इसमें रोहन रॉय, किशोरी पेडनेकर और मालवाणी पुलिस थाने के वो अधिकारी शामिल हैं जो आदित्य ठाकरे को बचाना चाहते थे। ये सब आईपीसी 218, 192, 193 और 201 के तहत आरोपी हैं। इनके खिलाफ भी एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी जा चुकी है। जब दिशा के वकील से पूछा गया कि आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने दिशा के परिवार को गुमराह किया, गलत जानकारी दी, क्या आपके पास इससे जुड़े कोई सबूत हैं, तो उन्होंने साफ साफ दो नाम लिए जिन्होंने दिशा के केस को घुमाने की कोशिश की। उनमें अहम दो नाम हैं, एक दिशा का मंगेतर रोहन रॉय और दूसरी किशोरी पेडनेकर। वकील ने बताया कि दिशा सालियान के माता पिता उस पार्टी में शामिल नहीं थे, उनको जो खबर दी गई, जिस तरह ये पूरा मामला बताया गया, उन्होंने उस पर ही यकीन कर लिया, लेकिन हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि इन लोगों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और वहाँ पर मौजूद उस पार्टी में मौजूद लोगों को भी डरा धमका कर चुप कराया, किसी को प्यार से तो किसी को पैसे से। जी हाँ, इतना ही नहीं, दिशा सालियान के वकील ने आगे बताया कि आदित्य ठाकरे जो अब तक ये बताते आ रहे हैं कि 8 जून को वो अपने नाना जी की डेथ होने पर उसी जगह पर मौजूद थे, ना कि दिशा की पार्टी में, तो इस बात को भी खारिज करते हुए वकील ने बताया कि आदित्य ठाकरे के नाना जी की डेथ 14 जून को हुई थी और ये सब दिशा के साथ 8 जून को हुआ था, तो आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं और अपने खिलाफ झूठा डिफेंस देने के आरोप में भी उन्हें बहुत बड़ी सजा हो सकती है। तो ये दिशा केस में अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है, जहां दिशा सालियान के वकील पक्के पुख्ता सबूत के साथ वो तीन नाम लेकर आए हैं जो कि इस केस में शामिल हैं, और टाइम टू टाइम इन तीनों के ही खिलाफ दिशा सुशांत केस से जुड़े सबूत भी मिलते रहे हैं। तो अब देखना होगा कि SIT इन्हें कब पूछताछ के लिए बुलाती है और कब इन पर कोई ठोस एक्शन होता है। तो आपका इन तीनों ही नामों पर क्या कहना है दोस्तों? क्या आपको भी लगता है कि ये तीनों दिशा केस से कनेक्टेड हैं? दिशा के साथ जो कुछ हुआ उसमें इन तीनों का हाथ शामिल है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने, खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं।